हर कोई स्टूडेंट्स अपना ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद आगे अपने करियर के लिए सोचता है कि वो आगे अपने करियर को कौन सी फील्ड में आगे बढ़ाए, कौन सा करियर उसके लिए बेस्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर में ऐसे 10 डिप्लोमा कोर्सेज जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं, और वो भी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मेरी खास तौर से आर्ट्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना ट्वेल्थ आर्ट साइड से कंप्लीट किया है और वो आगे अगर अपना करियर कंप्यूटर्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर में कौन से बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको लेने के बाद वो आगे अपने करियर को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए कि आपके पास में कौन कौन सी कोर्स की अपॉर्चुनिटी है जो आप ट्वेल्थ को कंप्लीट करने के बाद आर्ट्स बैकग्राउंड के साथ आप इन डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद अपने करियर को इन कोर्सेज के जरिए काफी हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अपना करियर जो है वो आप कंप्यूटर्स की फील्ड में बनाएं, तो कंप्यूटर्स की फील्ड में आपके लिए कौन से ऐसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं जो आपको आपकी ग्रेजुएशन के साथ में मिल सके। इनके साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ग्रेजुएशन को कंटिन्यू रखें और किसी भी कंप्यूटर्स की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपका मिनिमम एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। भले आप किसी भी स्ट्रीम से हों लेकिन आपको ग्रेजुएट होना है, और उसके साथ साथ आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज को चुनें जिसमें आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ट्वेल्थ के बाद आप इन कोर्सेज को लेके आप अपने करियर को बहुत अच्छा आप इन कोर्सेज के जरिए बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, नंबर वन पे जो आपके लिए कोर्स है फ्रेंड, जो कि आपको ट्वेल्थ के बाद करना है और वो भी डिप्लोमा कोर्सेज है, वहां पे है फ्रेंड्स आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग। करेंटली सबसे बेहतर जो कोर्स अभी चल रहा है फ्रेंड्स इस टाइम इंडिया में, वो है डिजिटल मार्केटिंग। एक ऐसा करियर है जो बहुत ही अच्छे बूम पे है, और आगे अगर आप अपने करियर को इस फील्ड में आप बढ़ाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, साथ साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और इंटरनेट की दुनिया में फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा करियर है, तो आप वो भी इन कोर्सेज के जरिए ले सकते हो। तो पहला जो कोर्स है फ्रेंड्स आपके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जो कि इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर को बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक कोर्स करना होगा, जहां पे कि आप 6 मंथ की ट्रेनिंग के साथ आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और उसके बाद आप इस कोर्स के जरिए ही अपने करियर को डिजिटल स्किल्स के बदौलत डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। नंबर टू पे जो डिप्लोमा कोर्स है फ्रेंड्स आपके लिए, जो कि स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है, और ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर की फील्ड में आपको कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसके जरिए आप अपने करियर को कंप्यूटर की ही फील्ड में सेफ अप कर सकें, तो वहां पे नंबर टू पे है फ्रेंड्स आपके लिए वेब डिजाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, वेब डिजाइनिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है स्पेशली फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे कि आपको वेबसाइट क्रिएशन से रिलेटेड काम को सीखना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इंटरनेट पे आपको किसी का भी बिजनेस प्रमोट करना है तो उसके लिए पहला स्टेप होता है उसकी वेबसाइट्स। तो आप किसी भी बिजनेस को या किसी भी क्लाइंट्स के लिए जो अपना पहला वर्कआउट करोगे वो है वेबसाइट्स का। तो ऐसे में वेबसाइट क्रिएशन का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटल डे बाय डे जितना ग्रो कर रहा है वहां पे हर कोई अपने बिजनेस को डिजिटल प्रमोशन के ऊपर लेके आना चाहता है, जिससे कि उसके उसकी उसकी बिजनेस की कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड हो सके। तो ऐसे में वेब डिजाइनिंग एक बहुत ही उभरता हुआ करियर ऑप्शन है, जहां पे कि अगर आप वेब डिजाइनिंग सीखते हैं और उसके बाद आप अपने करियर को इसी फील्ड में बहुत अच्छा बना सकते हैं। नंबर थर्ड जो करियर ऑप्शन और डिप्लोमा कोर्स है फ्रेंड कंप्यूटर की फील्ड में स्पेशली फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, वो है फ्रेंड्स आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको ग्राफिक्स बनाना बहुत अच्छा लगता है तो बहुत ही सेफ और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है फ्रेंड्स कंप्यूटर की फील्ड में, जो कि आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ग्राफिक में इंटरेस्ट है और स्केचेस वगैरह, और आप पेशेंस आप है
आपके अंदर और आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो डेफिनेटली आपको ग्राफिक को चूज करना चाहिए। इस कोर्स और इस करियर के जरिए आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। नंबर 4 पे जो डिप्लोमा कोर्स है फ्रेंड आपके लिए कंप्यूटर की फील्ड में स्पेशली आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th के बाद आपको मिलता है करने के लिए वो है फ्रेंड्स एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA। जी हाँ दोस्तों कंप्यूटर्स में मोस्ट पॉपुलर कोर्स है ADCA जहाँ पे कि आपको कंप्यूटर बेसिक से लेके कंप्यूटर एडवांस और हर तरीके की कंप्यूटर्स में यूज होने वाली एप्लीकेशंस की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से कंप्यूटर की किसी भी जॉब्स में ऑफिशियल जॉब्स हो कंप्यूटर में डाटा एंट्री जॉब्स हो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स हो किसी भी टाइप की जॉब्स को कम्प्लीटली आप इस कोर्स को करने के बाद आप ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है फ्रेंड जो कि आपको 12th के बाद मिलता है ADCA कंप्यूटर्स के ऊपर। नंबर 5th पे जो कोर्स है फ्रेंड आपके लिए वो है फ्रेंड्स O-Level। जी हाँ दोस्तों अगर आप 12th कंप्लीट करने के बाद आप चाहते हैं कि आगे आपका गवर्नमेंट जॉब्स का प्लानिंग है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको कोई ऐसा कोर्स मिले जो आगे आपको गवर्नमेंट जॉब में भी प्रमोशंस में काफी हेल्प करे तो वहां पे फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर्स के ऊपर O-Level का कोर्स करें। ये कोर्स आपको गवर्नमेंट्स के बहुत सारे डिवीजन में एक अच्छी रिस्पेक्ट क्रिएट करता है और जॉब्स लेने के बाद आपके प्रमोशंस में भी इस कोर्स के जरिए काफी अच्छी चांसेस आपको मिलते हैं। तो जस्ट आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद अगर आप कंप्यूटर में सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कोर्स मिले जिसके जरिए आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी हेल्प मिले तो आपको O-Level के लिए जाना चाहिए। बढ़ेंगे नंबर 6 कोर्स की ओर फ्रेंड जो कि आपको आफ्टर 12th के बाद इन कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर के करियर और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छा सेफ अपने करियर को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं और ये सभी कोर्सेज आपके कंप्यूटर के कोर्सेज हैं। ऐसे में नंबर 6 जो कोर्स है फ्रेंड आपके लिए वो है कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों अगर आप कंप्यूटर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि आगे चल के आप एक कंप्यूटर ट्रेनर बने कंप्यूटर टीचर बने तो आपको कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करना चाहिए जिसके जरिए आप आगे चल के कंप्यूटर ट्रेनर बन सकते हैं कंप्यूटर बढ़ा सकते हैं और किसी भी स्कूल से किसी भी कंपनी में एज ए कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये सभी आप चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर में एज ए कंप्यूटर टीचर ट्रेनर का कोर्स करना चाहिए जिससे कि आपको एक ट्रेनर बनने में काफी हेल्प मिलती है। नंबर 7 कोर्स के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स आपको जो कि स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है और ये करियर प्लस कंप्यूटर के ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपको विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर के अंदर ये कोर्सेज आपको करने होते हैं और आप अपने इन कोर्सेज को अपनी ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए नंबर 7 पे जो कोर्स है फ्रेंड आपके लिए वो है एनिमेशन एंड VFX। बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आज के टाइमिंग में है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से एनिमेशंस के जो वर्क हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड है एनिमेशंस है कार्टून चैनल्स हैं वीडियो एडिटिंग्स है और सारा कुछ हमारा वीडियो कंटेंट जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है सीरीजें आजकल हमारी मूवीज की वेब सीरीज बन रही हैं तो वहाँ पे एक VFX और एनिमेशंस वाले की काफ़ी डिमांड्स है। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और आप चाहते हैं कि ये आपके लिए एक बेहतर कोर्स होगा तो आपको जस्ट आफ्टर 12th के बाद अपना करियर एनिमेशन और VFX में जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 8 करियर ऑप्शन है फ्रेंड जो कि आपको स्पेशली 12th के बाद मिलेगा और अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में अपने करियर को बनाना तो नंबर 8 पे जो कोर्स है आपके लिए वो है फ्रेंड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी हां दोस्तों आप 12th के बाद एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं और आगे चल के एज ए डेटा एंट्री के रूप में अपना करियर को बना सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में IT सेक्शंस में या प्राइवेट जॉब्स में भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की काफी डिमांड्स होती है तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप आगे फ्यूचर में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बने तो आप कंप्यूटर में इस कोर्स को ले सकते हैं और इस कोर्स के जरिए ही आप आगे जो है एज ए डेटा एंट्री के रूप में आप काम कर सकते हैं। बढ़ेंगे नंबर 9 कोर्स की तरफ और 9 करियर ऑप्शन की तरफ जो कि आपको स्पेशली मिलता है आफ्टर 12th के बाद जहां पे कि फ्रेंड्स आपको जरूर अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू रखते हुए इन कोर्सेज को करना होगा। ऐसे में नंबर 9 पे है फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो एडिटिंग। जी हां दोस्तों बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन आज के टाइमिंग में वीडियो एडिटिंग का
बन रहा है, जिस तरीके से आजकल जो है यूट्यूब्स पे भी आप काफ़ी लोग अपने वीडियोस को बना के डालते हो, वेब सीरीज का सीजन ट्रेंड चल रहा है, मूवीज़ वगैरह बनती है, तो ऐसे में जो है ये हमारा शादी वगैरह का सभी जो हमारा वीडियो शूट्स वगैरह होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, इनमें एक वीडियो एडिटर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं इस फील्ड में। तो अगर आप चाहते हैं एक वीडियो एडिटर के रूप में काम करना, तो आपको जस्ट 12th के बाद आपको सिंपली कंप्यूटर्स के ऊपर वीडियो एडिटिंग में कोर्स करना होगा, और ये सभी स्किल्स को सीखने के बाद आप किसी भी एजेंसी में एज ए वीडियो एडिटर के रूप में काम कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से आपको ये जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि ये स्किल्स काफ़ी कम ही लोग जानते हैं और काफ़ी कम लोग जो है इस स्किल्स को सीख रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा है, आप अगर इसको सीखें तो आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। बढ़ेंगे नंबर 10 और आखिरी जो करियर ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो कि मैं आप इस वीडियो में आप 10 करियर और 10 कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, जो कि स्पेशली कंप्यूटर्स की फील्ड में है, वो है नंबर 10 पे आपके लिए जो कोर्स है फ्रेंड्स, वो है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का। फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आपको ये कहूँगा कि अब इस कोर्स की जो डिमांड है वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो एज ए हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है, और हार्डवेयर की डिमांड कम हो रही है लेकिन नेटवर्किंग वाले की डिमांड्स फिर भी बढ़ रही है, क्योंकि कंपनीज में आप कहीं पे भी देखें तो मल्टी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे होते हैं, तो वहां पे नेटवर्किंग हमारी जरूर होती है। ऐसे में हमारे लिए एक नेटवर्क इंजीनियर्स की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि टेक्निकल कोई कोर्स, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सारे ही कोर्स टेक्निकल हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में या आपको एग्जैक्टली ज्यादा फोकस या ज्यादा इंटरेस्ट आपको आता है टेक्निकल चीजों में, तो आपके लिए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स काफी बेहतर होगा, और स्पेशली आप 12th के बाद आर्ट्स के स्टूडेंट इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आपके लिए 10 करियर और 10 कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज जो आप जस्ट आफ्टर 12th के बाद आप कर सकते हैं, और वो भी अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ये सभी कोर्स आप ले सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी कंप्यूटर कोर्सेज को करना, तो आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से इन सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग आप ले सकते हो। हम इन सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग अपने .NET इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करते हैं, और अपने 20 ईयर्स के टीचिंग और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के जरिए हम आपको बनाते हैं कंप्यूटर में एक प्रोफेशनल। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेना, तो आप .NET इंस्टीट्यूट को जरूर सर्च करें और .NET इंस्टीट्यूट में आकर ट्रेनिंग लें, तो आप इसके जरिए काफी सक्सेस आप कंप्यूटर की फील्ड में हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।